22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप केस पर विस्तार से सुनवाई की। सुनवाई में जो जानकारी सामने आई है उस पर अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि शहर की पुलिस ने घटना में पूरी प्रक्रिया का पालन किया है, लेकिन सीबीआई और पीड़िता के माता पिता ने अपनी याचिका में जो भी जानकारी दी है वो कपिल सिब्बल के दावे से मेल नहीं खाती। अब सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस ने क्या कहा और कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले, इस पर एक नजर डालते हैं। पहला सवाल, मृत्यु की पुष्टि। पुलिस टाइमलाइन के अनुसार शव को सबसे पहले सुबह 9:30 बजे देखा गया और ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर ने सुबह 12:44 पर मृत्यु की पुष्टि की 3 घंटे के बाद, जो कि एक बड़ा सवाल है। जब स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया तो उन्हें बताया गया कि एक महिला बेहोशी की हालत में मिली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये जानने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है कि ये शव है या नहीं। दूसरा सवाल, आत्महत्या का एंगल। पीड़िता के माता पिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें सुबह 10:53 में अस्पताल से फोन आया और बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। सुबह 11:15 पर एक और कॉल आया जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। कोलकाता पुलिस की टाइमलाइन में केवल एक कॉल का जिक्र है और आत्महत्या का कोई उल्लेख नहीं है। तीसरा सवाल, क्या माता पिता को इंतजार करवाया गया? हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में डॉक्टर के माता पिता ने कहा कि उन्हें शव देखने की अनुमति देने से पहले 3 घंटे तक इंतजार कराया गया, लेकिन पीड़िता की मां ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से अपनी बेटी का शव देखने की भीख मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ पुलिस टाइमलाइन के अनुसार अस्पताल पहुंचने की कुछ ही देर बाद माता पिता को सेमिनार हॉल ले जाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने भी कोर्ट को बताया कि माता पिता को इंतजार नहीं कराया गया था। चौथा सवाल, FIR दर्ज करने में देरी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सवाल उठाया है कि अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों दर्ज किया गया, अस्पताल के अधिकारियों ने शिकायत क्यों नहीं की जिसके आधार पर FIR दर्ज की जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कल कहा कि प्रक्रिया एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुद्दा बना हुआ है। शव मिलने के लगभग 14 घंटे बाद FIR दर्ज करने का क्या कारण है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आना चाहिए था और FIR दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए था। पांचवा सवाल, अपराध की जगह। पुलिस टाइमलाइन के अनुसार शव को पहली बार देखे जाने के 1 घंटे बाद यानी सुबह 10:30 में अपराध की जगह को सुरक्षित कर लिया गया था। 15 अगस्त की सुबह अस्पताल में भीड़ द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद भी कोलकाता पुलिस ने दावा किया कि अपराध वाली जगह सुरक्षित था, लेकिन CBI ने इसका खंडन किया है। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामले में बहस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 5वें दिन जांच शुरू की। जांच अपने आप में एक चुनौती थी क्योंकि अपराध वाली जगह को बदल दिया गया था। FIR दाह संस्कार के बाद 11:45 में दर्ज की गई।